राष्ट्रपति जी का भाषण इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को सुनना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनके भाषण में, और देश किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है ये पूरा आज उनके भाषण में आया। और जहां चिंता की बात है, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। बहुत सारे गौरवशाली जो हमारे स्टेप आए हैं, जो उपलब्धियां हैं उनके साथ साथ, उन्होंने आज जो पेपर लीक के मामले उठ रहे हैं उस पर भी उन्होंने दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके इसको, इस चुनौती को ठीक करने की जोर पे उन्होंने बल दिया है। इमरजेंसी को लेकर बोला उन्होंने, इमरजेंसी की बात की। अब देखिए, इमरजेंसी की बात आते ही पता नहीं क्यों कांग्रेस को लुत्ती लग जाती है। भाई, इस देश में इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे लोगों की जान गई। अगर उनको आज श्रद्धांजलि दी जा रही है, वो ऐसा काला दिन फिर न आए अगर ऐसा कहते हैं, तो उसके बाद भी आप लोग उस पर हल्ला करते हैं, विरोध करते हैं। राहुल गांधी जी अब तो नेता विपक्ष हो गए हैं, अब तो उनसे अच्छे आचरण की उम्मीद है। नेता विपक्ष बहुत बड़ा पक्ष होता है, बहुत बड़ा पद होता है। अब जो लोग बार बार संविधान लेकर के हाथों में लहराते हैं, और संविधान पे सबसे ज्यादा चोट जिस दिन हुई उस घटना को नहीं याद करना चाहते हैं, इसका मतलब कि इनकी नीयत संविधान को लेकर के अच्छी नहीं है। आम आदमी पार्टी ने जो बहिष्कार किया राष्ट्रपति भाई, आम आदमी पार्टी का बहिष्कार जनता कर रही है। अब धीरे धीरे 5-6 महीना में पूरी तरह से उनको बहिष्कृत कर देंगे लोग, दिल्ली से भी और आगे आने वाले समय में पंजाब से भी। तो ये लोग जब लुटेरे हो गए, भ्रष्टाचारी हो गए, और इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार कि उसके कारण दिल्ली के झुग्गी वालों को पानी नहीं मिल रहा है, अनऑथराइज कॉलोनियों को पानी नहीं मिल रहा है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रहा है, गरीबों का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, गलियां टूटी पड़ी हैं, जल जमाव है, अभी कोई तैयारी नहीं है मानसून के आने की, इसलिए जहां पानी हो रहा है जल जमाव हो जा रहा है। तो दिल्ली की जनता अब कितना बहिष्कार करे, कितना बर्दाश्त करेगी। इसलिए दिल्ली की जनता ने कर दिया आम आदमी पार्टी का बहिष्कार, और उसका ही उनके चेहरे पे दिख रहा है सब।